मतदान के तीसरे चरण में महाराष्ट्र की 11 सीटों पर जो है आज वोटिंग हो रही है, और इन 11 सीटों में से एक जो सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो सीट है बारामती की। मैं इस वक्त बारामती में उस मतदान केंद्र पर हूं जहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपना वोट डालेंगे। देखिए शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं। शरद पवार पोलिंग बूथ पर यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ में उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो कि मौजूदा सांसद हैं और यहां से उम्मीदवार भी हैं एनसीपी की, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि सुप्रिया सुले का ये मतदान केंद्र नहीं है, सुप्रिया सुले एक दूसरी जगह मतदान करती हैं। यहां पर शरद पवार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इस सीट पर भले ही मुकाबला दो उम्मीदवारों के बीच में हो, सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी हैं और सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की पुत्री हैं इनके बीच में हो, लेकिन असली मुकाबला चाचा भतीजे के बीच और भतीजे अजीत पवार के बीच में है। पिछले साल जब एनसीपी में बगावत हुई और उस बगावत के बाद जब चुनाव आयोग ने पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार की होगी, और ऐसे में सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि क्या सुप्रिया सुले यहां से फिर एक बार अपनी जीत दोहरा पाएंगी। 2009 में पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, उसके बाद से लगातार चुनाव जीतते आई हैं और इस सीट पर हमेशा से पवार परिवार का कब्जा रहा है। 90 के दशक से लगातार शरद पवार यहां से सांसद चुने जाते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शरद पवार इस वक्त बारामती के अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। कई सालों के बाद फिर से एक बार शरद पवार बारामती में अपना वोट डालेंगे। इसके पहले वे मुंबई में अपना वोट डालते थे, उनका मतदान केंद्र मुंबई में हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मतदान केंद्र बदलवा लिया, अब वो बारामती के वोटर बन गए हैं। ये पहली बार होगा 1999 में एनसीपी बनने के बाद जब वो घड़ी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। घड़ी जो शरद पवार का चुनाव चिन्ह रहा है वो चुनाव चिन्ह अब उनके भतीजे के पास चला गया है, अजीत पवार के पास, क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार के खेमे को ही असली एनसीपी माना है और शरद पवार की पार्टी को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया गया। अब जो शरद पवार की पार्टी है उनका नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार, और इनको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो है तुतारी बजाता हुआ आदमी। तो इसी चुनाव चिन्ह से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में जैसा मैंने बताया कि कुल 11 सीटों पर मतदान हो रहा है, इन 11 सीटों में से 7 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की हैं, शुगर बेल्ट की हैं। शुगर बेल्ट वो इलाका है जहां पर शरद पवार का बीते 4 दशकों से दबदबा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जो शुगर कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो उसके शुरुआती दौर से ही शरद पवार का इस मूवमेंट में योगदान रहा और शुगर कोऑपरेटिव्स पर उनका कब्जा था, लेकिन बीते चंद सालों में तस्वीर बदल गई है। क्योंकि शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में मशगूल रहते थे तो यहाँ से उनके भतीजे जो कि विधायक हमेशा से चुने जाते रहे हैं वो स्थानीय लेवल पर काम करते थे और उनकी यहाँ पर पकड़ है, और आज जो यहाँ के कोऑपरेटिव्स हैं या फिर सहकारी बैंक हैं, पतपेढ़ी हैं, उन पर अजीत पवार का कब्जा है, और संगठन के जैसे कई पवार के खासम खास लोग वो भी अब अजीत पवार के खेमे में चले गए। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और ये देखना होगा कि क्या भावनात्मक कनेक्ट जो शरद पवार का सालों से रहा है वो इस चुनाव में उनकी बेटी के काम आता है क्या। दूसरी तरफ जो सुप्रिया सुले की विरोधी हैं, पवार परिवार से ही हैं, सुप्रिया सुले की भाभी हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके पास पूरा सत्ताधारी पक्ष उनके समर्थन में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, पर ऐसे में मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है। तो ये शरद पवार मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़ते हुए
83 साल के हैं शरद पवार, लेकिन आज भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। बीते 5 दशकों से शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के 4 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। 1999 में इन्होंने कांग्रेस से बगावत की और अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन साल 2023 में खुद इनकी अपनी पार्टी में बगावत हो गई, इनके भतीजे अजीत पवार इनसे अलग हो गए और उनके खेमे को ही चुनाव आयोग ने और विधानसभा स्पीकर दोनों ने ही असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दी। और शुरुआत से एनसीपी बनने के साथ ही जो घड़ी चुनाव चिन्ह था वो भी अजीत पवार के पास आ गया। सुप्रिया सुले ने पिछला चुनाव घड़ी पर लड़ा था, लेकिन इस बार उनकी निशानी तुतारी बजाता हुआ आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की मीडिया की भीड़ है यहाँ पर। शायद महाराष्ट्र में शख्स का मतदान कवर करने के लिए अगर उतनी मीडिया की भीड़ उमड़ी है तो मतदान को कवर करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इस मतदान के नतीजे आगे की दिशा तय करेंगे। अभी भी उनका दबदबा कायम है या फिर उनके भतीजे अजीत पवार उनकी जगह ले लेते हैं और एक तरह से उनके सियासी बारिश हो जाते हैं। हालांकि जहां तक बारिश का जब भी सवाल उठाया गया तो शरद पवार बगावत से पहले तक हमेशा ये कहते आए कि केंद्र की राजनीति उनकी बेटी संभालेंगी सुप्रिया और महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार संभालेंगे। लेकिन अक्सर ये सवाल उठते आया कि पवार कहीं परिवारवाद तो नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी कल को सत्ता ना सौंपने, और एक तरह की अजीत पवार के खेमे में सिक्योरिटी भी थी। और दूसरा कारण ये भी माना गया कि जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम मामले दर्ज किए गए थे ईडी की ओर से, मुंबई पुलिस के UOW की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, तो क्या एक वैसा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जागरूकता से बगावत कर दी। विपक्ष का तो यही आरोप है। बगावत के बाद अजीत पवार सत्ताधारी खेमे के साथ चले गए, महायुति के साथ में। इस वक्त महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों के बीच टकराव हो रहा है। एक गठबंधन है महायुति, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जिसमें कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, और तीसरी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी जाकर मिल गई। और इस महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी के साथ हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है, जिसका आधिकारिक नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार। तो हम देख रहे हैं कि शरद पवार मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। यहाँ पर मीडिया की भीड़ इतनी है, खाने में दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल 11 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर की सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। एक तो ये बारामती की सीट है जहां पर सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार की लड़ाई है। दूसरी सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, 2 जिलों को मिलाकर ये एक लोकसभा की सीट बनाई गई है, जहाँ से नारायण दाने, बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण दाने, वो चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र मंत्री हैं, वहाँ पर भी आज मतदान हो रहा है, उस पर भी हमारी नजर है। और तीसरी अहम सीट है सोलापुर की,
यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रणति शिंदे, कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। सुशील कुमार शिंदे पहले गृहमंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका मुकाबला है। दो बार सुशील कुमार शिंदे चुनाव हार चुके हैं, 2009 में जीते थे लेकिन 2014 और 2019 में हार गए। इस बार उनकी बेटी को टिकट दिया गया है जो कि सोलापुर से ही है। तो ये तीन ऐसी बड़ी सीटें हैं महाराष्ट्र में जिन पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली है। पर हम इस वक्त देख रहे हैं बारामती का वो मतदान केंद्र जहां पर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार वोट डाल रहे हैं। ये सबसे पहला बड़ा चुनाव है एनसीपी में बगावत होने के बाद। कितनी रहेगा साहब, इतना कौतूहल है।